अस्सलाम वालेकुम सर, और मैं बहुत ज़्यादा आज खुश हूँ आपको अपने सामने देखकर। मेरी उर्दू बहुत अच्छी नहीं है। मेरा नाम कंचन चौधरी है, मैं आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो में रेडियो प्रेजेंटर भी हूँ, और मेरे साथ पूरी आरजीएस की टीम भी आई हुई है। और मैं आपको इनवाइट करना चाहूँगी ऑल इंडिया रेडियो पर भी डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम। जावेद सर, दोनों जावेद सर से मैं बात कर रही हूँ अभी। और जावेद अख्तर साहब, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी। उर्दू बहुत ज़्यादा, हिंदी की अगर हम बात करें मुंबई शहर में, मैं दिल्ली से, वैसे पैदाइश मेरी वहीं की है, पर जब हम मुंबई में बात करते हैं तो यहाँ की हिंदी भी मुझे समझ में नहीं आती है। उसमें काफ़ी बहुत ही नॉर्थ इंडियन से थोड़ा सा अलग ही होता है जब हम भी बात करते हैं क्लैरिटी की, स्पीच की। और मैं हिंदी आरजे हूँ, तो मैं हिंदी में ऑफकोर्स न्यूज़ और समाचार पढ़ती हूँ, और मुझे फिर भी लगता है कि मैं पीछे कहीं रह जाती हूँ। और उर्दू तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो हम कुछ आज के स्टूडेंट्स, युवा, या इनके लिए कितना ईजी या एक्सेसिबल बना सकते हैं, उसके लिए सर आपसे ये सवाल। बैठिए, पहले तो मुझे हैरत हुई कि आपने कहा कि मुंबई में तो बात करते हैं हिंदी में भी बात करते हैं, समझे दिल्ली में जो बातें होती हैं आपकी समझ में आती है? भैया आप तो बड़ी कमाल की हैं। देखिए, उर्दू का एक अजीब चक्कर हो गया, ये भी रियलिटी है। मैं बोल रहा हूँ, जब तक आपकी समझ में आ रहा आप समझ रही मैं हिंदी बोल रहा हूँ, जब समझ में आना बंद हुआ तब कहती ये तो उर्दू बोल रहा है। ये एक बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है। तो आप ये जो बोली है ना, भी अभी जितनी आपने बात की है, ये हिंदी भी है और उर्दू भी है, तो आप तो बोल रही थी उर्दू, और क्या होती है उसको। तो ये उर्दू जो है ये नहीं चलने वाली, ये भी उर्दू है और वो भी हिंदी है कि एक पके माटी के पात्र में दुख शर्करा युक्त गरा कंदरा उपजित उषण पे प्रदान करो। आपको मालूम है मैंने हिंदी में क्या कहा है? एक प्याली चाय दे दो। तो ये आर्टिफिशियल ज़बानें छोड़िए, जो नॉर्मल हम लोग बात करते हैं वो है हिंदुस्तानी, हिंदी उर्दू मिली हुई बोलते हैं। अब आप उसे देवनागरी में लिख देती हैं तो आप कहती हैं हिंदी हो गई, उसे आप फारसी रस्मुलख़त में लिख देते हैं तो उर्दू हो गई। रस्मुलख़त इतनी इम्पोर्टेंट, ये जो है ना स्क्रिप्ट, इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। पंजाबी तो तीन ज़बानों में लिखी जाए, स्क्रिप्ट में लिखते हैं, गुरमुखी में लिखते हैं, देवनागरी में लिखते हैं, और उर्दू स्क्रिप्ट में भी लिखते हैं, मगर वो पंजाबी ही रहती है। और अगर आप ये पोस्टर लगा होता है KUCH KUCH HOTA HAI, कुछ कुछ होता है, तो अगर ये रोमन वर्ड में लिखा तो क्या इंग्लिश है? वो हिंदुस्तानी है।